कूलर भी लगा है, जंबो कूलर, आधा घंटा बैठ सकते हैं। अभी आया करेंगे यहाँ पे हम लोग हमेशा, अंदर वाला कलर भी पहन सकते ना, दिखा ना। जाने दो, कल होगा बेटा, हो गया। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप गाइज आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज, आज ब्रेकफास्ट में बनने वाला है ये, क्या बोलते हैं, पापड़ा, जो मैं लॉकडाउन में आपको दिखा दिखा के बोर हो गई थी और आप देख देख के बोर हो गए थे, जो पापड़ा दीदी ने भेजा था। और ये भी पापड़ा दीदी ने ही भेजा है, मेरी जेठानी ने, तो मैं यही बनाने वाली हूँ। ये किस चीज़ का बनता है दोबारा से आपको बता देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग पूछेंगे। पापड़ कूट भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, मतलब महाराष्ट्र में ही बनता है शायद ये सूजी का बनता है, आटा और सूजी मिक्स करते हैं, या सिर्फ सूजी का बनता है वो भी नहीं पता मुझे। दीदी भी मशीन से बना के लाती है, तो यहाँ पर तो मैं लाती ही नहीं हूँ, दीदी लाती है तो वही भेजती है। दीदी मैं बाल बाल ठीक कर रही हूँ यार, तो चलो ठीक है, अभी मैं पापड़ा बनाती हूँ। और ये जो पापड़ा है मैंने पहले इसकी तरह बॉईल कर लिया है, जैसे हम लोग नूडल्स वूडल्स नहीं बॉईल करते हैं, ऑयल डाल के पानी में, और बॉईल होने के बाद उसमें वो डाल दो, जैसे कि पास्ता बॉईल करते हैं, वैसे ही मैंने ये पहले बॉईल कर लिया है। ये देख लीजिए आप, इस तरह से ये दिखता है। इसके बाद जैसे हम लोग पास्ता बनाते हैं सेम उसी तरह से ये बनाना है। तो चलिए अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई वढ़ाई रख दी है यहाँ पे, अभी बनाना स्टार्ट करती हूँ और आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। इसकी रेसिपी बहुत ज़्यादा सिंपल है गाइज। यहाँ पर मैंने प्याज काट के रख दिया है, ज़्यादा प्याज लिया है, और मिर्ची भी काट के रख दी है, हरी मिर्च काट के रख दी है। और अभी मैं काटूँगी टोमेटो, और उसके बाद यहाँ पर पैन भी चढ़ा दिया है गैस पे, ये गर्म हो जाए, उसके बाद मैं उसमें ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल ऐड करने के बाद बस जीरा राई ऐड कर देनी है। जीरा राई चटकने के बाद आपको ऐड कर देना है उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद उसे अच्छा से भून लेना है, और उसकी कच्ची स्मेल चली जाए तब तक भून लेना है। उसके बाद आपको उसमें हरी मिर्च, प्याज, सारी चीज़ें डाल देनी है, और अच्छे से प्याज को भी भून लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। अच्छे से प्याज को भून लेने के बाद में उसमें टोमेटो ऐड करना है। सबसे पहले प्याज को ही भून लेना है आपको, और प्याज भून जाने के बाद हम उसमें मसाले ऐड करेंगे, जो बेसिक से मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर, ये सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें, और अच्छे से इसे चला लूँगी। ये मसाले भुन जाए उसके बाद मैं टोमेटो ऐड कर दूँगी। टोमेटो ऐड करने के बाद इसे अच्छे से चला लूँगी, और उसके बाद मैं उसमें नमक ऐड करूँगी टोमेटो गलने के लिए। और उसके बाद जो है वो आपको उसमें ऐड करना है, जो हम लोगों ने पापड़ा बना के रखा था साइड में, आप देख रहे हो वो पापड़ा बना के रखा था। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ये जो मैंने बनाया है अभी, इसमें ही पानी ऐड करते हैं, उसे बॉईल होने देते हैं, और उसमें फिर पापड़ा ऐड करते हैं। तो वैसी प्रोसीजर ना मुझे थोड़ी सी गलत लगती है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, मैंने दोनों तरीके से बना के देखे हैं, और जैसे मैं अभी बना रही हूँ उस तरह से बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है गाइज। और अगर वैसे बनाते हो ना तो वो थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क लगता है उसमें, तो ऐसे भी बना के देखना अगर आपको पसंद आए तो। और वैसे तो आप बनाते ही होंगे। और थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी है मैंने ऊपर से टेस्ट के लिए, और आप चाहो तो नींबू भी ऐड कर सकते हो, नींबू का जूस थोड़ा सा ऐड कर देना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और बस यहाँ पर रेडी हो गया है गाइस, थोड़ी देर स्टीम ले ली है मैंने, और रेडी हो गया है ये हमारा पापड़ा। अभी मैं निकाल लूँगी प्लेट में, और सबसे पहले इन्हें देती हूँ क्योंकि इन्हें भूख लगी है बहुत ज़्यादा। और ऐसा होता है ना कि इनको कंट्रोल नहीं होता है, इनको सुबह नाश्ते की आदत है ना, तो इसी वजह से नाश्ता बनाना नहीं पड़ता है। दो तीन दिन से मैं नाश्ता बना नहीं रही थी, तो इनको थोड़ा सा जल्दी भूख लग रही थी, तो इसी वजह से अभी नाश्ता बना दे रही हूँ। और बस यहाँ पर सबको दे देती हूँ, और उसके बाद फिर चाय चढ़ा देती हूँ गैस पे। जब तक ये नाश्ता करेंगे तब तक चाय भी बन जाएंगी, और फिर चाय भी पी लेंगे। ये उनको कैसा है कि जैसे ही प्लेट में इनके हाथों से लेती हूँ ना, तुरंत चाय चाहिए। यहाँ पर मैंने अभी चाय भी चढ़ा दी है गैस पर, अभी चाय बन गई है, और चाय भी छान लूँगी और उनको चाय भी दे देती हूँ। तो गाइज़ आपका क्या चल रहा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, समर वाले आइटम आपने बना ली या नहीं बनाया अभी तक, वो भी कमेंट करके बताना। वेलकम, माही ले रही है उधर। गाइज, अभी एक वीडियो के लिए रेडी होना था, फेस वॉश किया और जब टोनर अप्लाई करने लगी तो मैंने सोचा चलो टोनर आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए
इस टोनर को मैं यूज कर रही हूँ, इतना ज्यादा पसंद आ रहा है। मतलब ऐसे बहुत कम प्रोडक्ट होते हैं कि जो बहुत ज्यादा पसंद आ जाते हैं, तो कैसा है कि मतलब एक दो बार में ही पसंद आ जाता है। नहीं तो क्या होता है कि थोड़े से हफ्ते भर यूज करो तो आपको इसका रिजल्ट पता चलता है, बट ऐसे कुछ ही गिने चुने प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक दो बार यूज करने से ही आपको इतना ज्यादा पसंद आ जाता है कि मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर दूं ताकि आपको भी हेल्प मिल जाएगी। और हाँ, अभी समर स्टार्ट हो गया है तो ऑयली स्किन वालों की तो बैंड ही बजी होगी। जैसे मेरी ऑयली स्किन है, मुझे हर टाइम फेस वॉश करते रहना पड़ता है। ऑयली स्किन की वजह से पोर्स भी लार्ज हो जाते हैं। वैसे मैंने जल्दी से कंट्रोल कर लिया, जैसे ही मुझे दिख रहे थे कि हाँ मेरे पोर्स ओपन हो रहे हैं, मतलब घर वाले भी बोलने लगे थे कि हाँ थोड़े थोड़े पोर्स ओपन हो रहे हैं, तो वैसे ही मैंने बीच बीच में फेस वॉश करना स्टार्ट कर दिया और टोनर यूज करना स्टार्ट कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ कि ज्यादा पोर्स लार्ज नहीं हुए, ज्यादा ओपन नहीं हुए, स्किन केयर अच्छे से नहीं करती, तो मेरे पोर्स आज आपको बहुत ज्यादा लार्ज दिखते, बहुत ओपन दिखते, बहुत लोगों के हो भी गए होंगे। अभी उस पर इलाज नहीं है गाइज, बट अभी उस जो आपके ज्यादा बढ़ने वाले पोर्स है, मतलब उस पर बहुत सारे लोग इलाज बता भी देते हैं, बट मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ कि उस पर इलाज नहीं है। आप सिर्फ उसको क्या कर सकते हो कि कुछ चीजों से आप उसको ढक सकते हो, मतलब जैसे कि टोनर यूज करने से आपके वो पोर्स ऊपर नहीं दिखेंगे, ज्यादा लार्ज नहीं दिखेंगे, वो थोड़े से श्रिंक हो जाएंगे, वो दूसरों को विजिबल नहीं होंगे। तो इसी वजह से मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट शेयर करती हूँ जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है, वो है ये गाइस, विलवा का प्योर रोज वाटर। आप इसे फेशियल टोनर की तरह भी यूज कर सकते हो और इसे आप रोज वाटर की तरह भी, मतलब किसी भी फेस पैक में डाल के भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मुल्तानी मिट्टी पैक लगाते हो तो उसमें भी आप इसे डाल के लगा सकते हो, किसी भी फेस पैक में जिसमें जरूरत होगी रोज वाटर की उसमें डाल के आप इसे लगा सकते हो। उससे क्या होता है कि आपके फेस पे अलग सा ही एक ग्लो आता है। ये जो रोज वाटर है गाइस थोड़ा सा स्पेशल है। स्पेशल क्यों और ये मुझे पसंद क्यों आया है इतना ज्यादा वो भी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग देख लीजिए, ये जो ये है ना, क्या बोलते हैं बॉटल, ये मेटल की बॉटल है, मतलब पैकेजिंग पे भी काफी अच्छा ध्यान दिया है इन्होंने। 100 ml की क्वांटिटी में आपको मिलता है, 100 ml की क्वांटिटी में मिलता है, और मतलब बाकी के जो रोज वाटर है ना उससे थोड़ा सा महंगा है, बट किस लिए है वो भी आपको बता दे। थोड़ा गाइज, ये जो रोज वाटर है वो 5 kg रोज पेटल से 1 liter रोज वाटर बनता है, मतलब प्योर रोज वाटर है। इसमें ना कोई फ्रेग्रेंस एडेड है, ना कोई केमिकल एडेड है, ना कोई कलर एडेड है, मतलब ये प्योर रोज वाटर आपको मिलेगा। इसी वजह से ये आपको जल्दी खत्म करना पड़ता है, मतलब इसमें कोई प्रिजर्वेटिव एडेड नहीं है ना गाइस, कोई केमिकल एडेड नहीं है, तो इसी वजह से ये इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो ज्यादा नहीं है, मतलब जल्दी ही आपको खत्म करना पड़ेगा, ये 10 months में ही खत्म करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो बॉटल है मेरी 2-3 महीने में, अगर मैं रेगुलर यूज करूँ तो 1 महीने में ही खत्म हो जाएगी। अभी तो यहां तक खत्म हो ही गई होगी जब से मैं यूज कर रही हूँ इसे, और इतना ज्यादा पसंद आया है, सच बताऊ मैं आपको। फेस वॉश करने के बाद जब इसे अप्लाई करती हूँ ना, अभी मैंने फेस वॉश किया, मुझे रेडी होना था, और जब मैं अप्लाई करने लगी तो मैंने सोचा चलो वीडियो बनाने के लिए बैठ जाती हूँ ताकि आपको भी इससे हेल्प मिल जाएगी, बहुत ज्यादा अच्छा है। इसका जो ब्रांड नेम है ना गाइज वो विलवा है। गाइज 100% स्टीम डिस्टिल्ड रोज वाटर है, और इस पे लिखा है कि ये उत्तराखंड के रोज पेटल्स यूज करते हैं इसे बनाने के लिए। मतलब आप सोचो कि 5 kg रोज पेटल से 1 liter ही ये रोज वाटर बनता है, तो कितना प्योर होगा ये रोज वाटर। और ऐसा नहीं लिखा है कि बच्चों से दूर रखो, ये बच्चों के लिए भी आप यूज कर सकते हो गाइज। अगर आपके छोटे बच्चे हैं उनकी स्किन कितनी ज्यादा नाजुक होती है, उन पे भी आप इसे स्प्रे कर सकते हो। अगर वो बच्चे बाहर से खेल के आते हैं तो उनकी स्किन पे आप स्प्रे करो, मतलब फेस पे वगैरह स्प्रे करो, कॉटन से क्लीन कर लो, उनके भी स्किन बहुत अच्छी हो जाएंगे, ब्रेकआउट्स नहीं होंगे, स्मूथ हो जाएगी स्किन, सॉफ्ट हो जाएगी, और आपके फेस पे जो एक्सेस ऑयल आता है वो भी इससे कम हो जाएगा। मतलब अगर आपका एक्सेस ऑयल ही नहीं आएगा तो आपके पोर्स लार्ज नहीं होंगे, आपके पोर्स लार्ज नहीं होंगे तो आपका फेस टाइट दिखेगा, स्मूथ दिखेगा। इसकी वजह से रोज वाटर या टोनर यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप जो टोनर यूज कर रहे हो वो प्योर हो तो कहना ही क्या गाइस, तो डेफिनेटली आप इस टोनर को यूज कर सकते हो, और यूज कैसे करना है वो भी आपको बता देती हूँ। बस जस्ट स्प्रे करना है आपके फेस पे। अगर आप बाहर जाते हो, धूप में आपका काम होता है, तो धूप से घर पे आने के बाद फेस वॉश करिए और ये जो रोज टोनर है वो आप फेस पे अप्लाई कर लीजिए। बस इस तरह से आपको अप्लाई करना है, ये आपके फेस में एब्जॉर्ब हो जाएगा गाइज, और उसकी वजह से आपका सनबर्न भी नहीं होगा, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करने लगेगी, जो आपकी स्किन एक्सेस ऑयल छोड़ती है वो भी छोड़ना बंद कर देगी। जैसे ये जो है वो आपकी स्किन के लिए बेस्ट रोज वाटर है, मैं तो ऐसा कह सकती हूँ क्योंकि मैं इसे यूज कर रही हूँ, तो मुझे तो इसने बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर दिया है। अगर आपको लेना है ना गाइज, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपके लिए, लिंक पे क्लिक करके आप ले सकते हो इसे, और डेफिनेटली एक बार ट्राई करना, आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है।
और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जब ट्राई करोगे ना मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपका एक्सपीरियंस पढ़ने के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है ना तो जरूर कमेंट सेक्शन में आके बताना कि आपको ये पसंद आया है, और एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, जरूर एक बार ट्राई करना। अगर मैं इतना कुछ पोज दे के बोल रही हूँ इसके बारे में तो अच्छा ही होगा, एक बार जरूर ट्राई करना, आपको पसंद जरूर आने वाला है और आप भी इसके फैन होने वाले हो जैसे मैं हो गई हूँ अभी इसके फैन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो इसका लिंक आपके लिए दे ही दूंगी मैं, बट फर्स्ट कमेंट में भी इसका लिंक मैं पिन कर दूंगी, तो आप कहीं से भी इसे परचेस कर सकते हो, लिंक पे क्लिक करके आप परचेस कर सकते हो। ब्रेकफास्ट सबका हो गया है गाइज, और अभी मैं जमाने वाली हूँ दही। तो दही के लिए किसी ने बोला था कि हमारा दही तो जमता नहीं है और आपका दही कैसे जमता है, तो गाइज समर में तो सभी का दही जमता है। यहाँ पर मैंने दूध गर्म कर लिया, ये जो कल का दूध बचा जाता वही मैंने गर्म कर लिया अभी, और इसमें दही जमाने के लिए मैं जामुन डाल रही हूँ, मतलब दही डाल रही हूँ, बस इतना सा, 2-3 चम्मच दही डाल दीजिए और बस उसके बाद ढक के रख दीजिए। हिलाने वाले आने की जरूरत नहीं है, बहुत लोग हिलाते भी है बट हम लोग नहीं हिलाते गाइस, ऐसे ही दही जम जाता है हमारा बहुत अच्छा गाढ़ा वाला। बस इस पे ढक्कन रख देना है अब बस, और ये आज का दूध है, इसके चाय बन गई है, इसे ढक के रख दिया। वहाँ से आप लेके आए यहाँ पे जेब में रख दी, फिर बहुत साल हो गए, फिर बहुत साल नहीं बहुत दिन हो गए, फिर हाँ। मुझे पता नहीं चला, मुझे लगा कि वहाँ पे मेरी भिंडी रह गई, हाँ। फिर आज क्या के पेन ये वाला पेन हाँ। फिर मुझे लगा इसमें कुछ तो भी है, निकाल के देखा तो ये भिंडी निकली। अरे वाह, बहुत बड़ी बात हुई अद्विक। हाँ बेटा, दिखाओ दिखाओ। अरे वाह, अरे वाह, दिखाओ। अरे वाह, नहीं होगा अब तो, होगा ही नहीं। हाँ हो गया हो गया। चलना है क्या बाहर पक्का? देखो गाड़ी वाड़ी वॉश कर ली इन्होंने अपनी, मेरी नहीं की क्या? साफ है। अरे यार हम लोग मार्केट में जाने वाले हैं, एक्चुअली कार नहीं लेके जा सकते वहाँ पे, तो इसी वजह से मतलब मार्केट में जगह नहीं है कार रखने के लिए, एक जगह पे रखो और फिर मार्केट पूरा पैदल घूमो, तो इसीलिए हम लोग 2 2-व्हीलर लेके जा रहे हैं, माही और मैं इस पे जाएंगे और अद्विक और ये इस पे जाएंगे, तो इसी वजह से मेरी वॉश की है शायद। हाँ यार अच्छी ही है ये तो, चलो कोई बात। आ जो ये वीडियो देख रहे हैं इनको ये मून, अरे वाह सच्ची में, हाँ ये देखो कितना बड़ा है। हाँ गाइज आपको दिख रहा है कि नहीं बताना, देखो ये वाइट दिख रहा है, हाँ वाइट दिख रहा है इसमें वीडियो में, क्लियरिटी नहीं है ना अच्छी इसी वजह से। हाँ ये कैमरा अलग कैप्चर करता है अद्विक, और वो डायरेक्ट आंखों से अलग दिखता है, यहाँ पर येल्लो दिख रहा है, हमें येल्लो दिख रहा है और आप लोगों को वाइट दिख रहा है। आंखों का धोखा नहीं, ये कैमरा का धोखा है। समझ गया सबको। दिखाओ बस बस आप दिखाओ मत अब। जाने दो, कल होगा बेटा, हो गया। में स्मेल ही स्मेल है अब, ये घी बना लिया है, काफी दिनों से मलाई जमा हो गई थी तो उसका घी बनाया है, इसके बाद ये वाला पालक पनीर मेरा गरम कर लिया है, और आज खिचड़ी ही बनाई है, हमको किसी को ज़्यादा भूख नहीं थी तो इसी वजह से खिचड़ी ही बनाई है सबके लिए, और मेरे लिए तो ये पालक पनीर था ही, तो इसी वजह से इसे ही गरम कर लिया। हे गाइस सभी रेडी हो चुकी हूँ और हम लोग जा रहे हैं बाहर, एक्चुअली इनके लिए मार्केट, हाँ
एक्चुअली इनके लिए एक जैकेट लेना था, कब से बोल रही हूँ जैकेट ले लो जैकेट ले लो, क्योंकि जो भी इनके पास जैकेट है ना वो विंटर के है, मतलब जो भी ब्रांडेड जैकेट भी है वो भी विंटर के ही है, और जो नॉर्मल वाले जो ऐसे ही नॉन ब्रांडेड है वो भी विंटर के ही है, और जो समर का जैकेट था मतलब इनको जैकेट ज़्यादा पहनना अच्छा लगता है, तो इसी वजह से ये जैकेट पहनते हैं हमेशा, आपने देखा होगा। तो वो वाला जो जैकेट है जो एक समर का है पतला वाला, तो वो थोड़ा सा अभी फेड हो रहा है उसका कलर, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो जाते हैं बाहर इनके लिए एक जैकेट भी देखते हैं। और कब से बोल रही हूँ इन्हें जाओ आप और लेके आओ, तो ये तो जाते नहीं है, तो इस वजह से हमने सोचा कि आज हम ही चले जाते हैं और इनके लिए जैकेट भी लेके आएंगे और ऐसे ही घूम के आ जाएंगे, बच्चों को भी घुमा के लाएंगे। आज माही ने न्यू वाला माही का ट्रैक सूट पहना है, अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है। अभी चलो माही का लुक थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ, माही को आज पहनना ज़्यादा अच्छा लग रहा था वो, तो इसी वजह से। और मेरा तो यही है, नॉर्मल सा जीन्स और टॉप पहन लिया मैंने, और ये भी रेडी हो चुके हैं, रेडी मीन्स ऐसे ही, इधर से आओ, 2 मिनट में रेडी होते हैं ये, तो इनको तो देखना ही नहीं पड़ता। चलो फिर अभी निकलते हैं गाइज, और वहां पर हम लोग आज पानी पूरी खिलाओगे क्या मुझे, चिड्डे करती हूँ आज, ठीक है। नहीं यार पानी, पता है मुझे इतना ज्यादा मतलब दूसरी चीज के लिए मैं चीट नहीं कर सकती हूँ, इतना मतलब इतना क्रेविंग नहीं होती है मेरे दूसरी चीजों की, बट पानी पूरी अगर बोलू ना तो पानी पूरी के बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। अगर चीट करने के लिए बोलू ना मैं तो पानी पूरी पे ही चीट करूंगी। अब बाहर जा रही हूँ और पानी पूरी की गाड़ियां दिखेंगी ना तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो सकता, मतलब इतने दिन कंट्रोल करती हूँ मैं, बट अभी एक दिन चलता है यार, चीट कर लेती हूँ आज, अच्छी लग रही हूँ मैं। एक मिनट बैक कैमरा से दिखाती हूँ, माही का लुक देखो पूरा का पूरा, हाँ मैं आपका लुक देखा हुआ है सबने, माही का लुक देखने दो, माही अच्छी लग रही हो बेटा। ये मैंने कब मंगाया था, एक महीना हो रहा होगा माही, है ना, साक्षी की शादी से पहले मंगाया था ये, और उस टाइम से माही ड्रॉअर में पड़ा था ऐसे ही, हाँ हाँ पता है क्या, वो ऐसे ही मेहमानों के बीच में आया था ना, तो इसी वजह से वो ऐसे ही रख दिया था मेहमानों के बीच में। ये क्या चल रहा है माई आपका? चलो आद्विक चलो जल्दी से बुरी बुरी। चलो हाँ आद्विक क्या कर रहे हो, चलो गेट लग गया। पापा और अद्विक एक इसमें जा रहे हैं, मम्मा और मैं एक इसमें जा रहे हैं। चलो हम वैसे वैसे करते हैं। तो जा रहे हैं गाड़ी तो। हाँ। ये लोग पीछे चली भी। गर्ल्स फर्स्ट। पापा तो आगे चले गए, हमसे बाद में निकले और आगे चले गए हमसे पहले, है ना। हाँ। अब चले गए पीछे वापस से। पापा आगे चले गए और हमसे पहले पहुंच गए। हम ही लेट हो गए वापस से। चले रिवर्सिबल है ना, बाहर से भी पहन सकते हो ना ऐसे, अंदर अंदर वाला कलर भी पहन सकते हो ना, दिखाना सीधा करने का मन नहीं है तो उल्टे पहन लेना। हाँ ये वाला कलर भी पहन सकते हो, अच्छा लग रहा है ये वैसे, अच्छा लग रहा है। हाँ रिवर्सिबल है तो अच्छा है ये। Beep, beep, beep.
गड्डी, ज्यादा मत लेना। ये बहुत हरा वाला है, वही बोल रही हूँ कि ज्यादा मत, एक ही गड्डी लेना। अच्छा है ये, बहुत अच्छा है। चलो चलो, हाँ तरबूज लेने गए अब। चलो वो मत लो, तरबूज ही लो सिर्फ। गाइस हम लोग गन्ने का जूस पीने आए हैं, ये देखिए। अगर 1 ग्लास लो तो 10 रुपीज, और 1 लीटर लो। मग्गा भी फ्री है? नहीं, ये एक मग्गा मतलब 1 लीटर 40 रुपीज का, और अगर 1 ग्लास लो तो वो 10 रुपीज का। उसके साथ अभी, हाँ उसके साथ अभी आइस भी, और उसके बाद स्टोरेज। देखो यहाँ पे कितने सारे हैं यार, छोटा मोटा काम नहीं है। हाँ बड़ा है, मजा आता है यार यहाँ पे। मुझे आना है अभी बार बार। हम कूलर भी लगा है, जंबो कूलर, आधा घंटा बैठ सकते हैं अभी। आया करेंगे यहाँ पे हम लोग हमेशा, बैठ के मजा लेना। ये देखो 1 लीटर का मग्गा जा ही नहीं रहा है, लेकिन यार मजा आ गया यहाँ पे। जूस पी के मजा आया ना, हाँ टेस्टी है। हाँ चैलेंज था हमारा जूस पीने का, ये गन्ने का जूस पीने का। और मैं फर्स्ट हारा। ये फर्स्ट हार गया, हम लोग फर्स्ट जीत गए, मैं फर्स्ट जीत गई। और मैं नहीं, अब जीत नहीं हूँ। आपको होने का है, होने का है, जबरदस्त आइटम है। मुझे बहुत सारा आइटम ऐसा लगा बर्फ वाला खाने के लिए। ये इसमें दिखाती हूँ आपको बर्फ। सारे टेबल पे वो बर्फ वाला भी है, और उसके बाद 1 लीटर वाला आइटम है ये। ये देखो यहाँ पर निकाल रहे हैं, आ गए। अगर आना हो किसी ने तो आ सकते हो, और वो भी दिखा दो बोर्ड। बोर्ड हाँ। ये वाला 40 रुपीज 1 लीटर। अच्छा लगा ना। चलो भाई पहुंच गए हैं घर पे, ये रखो। लाओ माही। लाओ माहिनी। हाँ माही नारियल लेके आओ, बोल रहे पापा। तो गाइस मजा आ गया यार आज, मजा आ गया, बहुत मजा आया एक्चुअली। हम लोगों ने पानी पूरी भी खाई, पानी पूरी खाने के टाइम पे शूट करना भूल गए, और बाद में याद आया अरे हमने तो पानी पूरी के चक्कर में शूट ही नहीं किया। चलो मैंने बोला फिर हम लोगों को दिख गया गन्ने के जूस वाला सेंटर, तो फिर गन्ने के जूस के लिए गए, तो वहां पर लिखा हुआ था 1 लीटर 40 रुपीज, वहां पर भी गए, वहां पर 1 लीटर का लिया हम लोगों ने, और 40 रुपीज में 1 लीटर में 5 वो छोटे वाले 5 to 6 ग्लास, मतलब हाँ 5 to 6 ग्लास आए, तो मजा आ गया वहां पर भी। और माही का भी गन्ने का जूस पीती नहीं है, आज माही ने गन्ने का जूस भी पिया। पानी पूरी तो वो खाती है वैसे, पानी पूरी अद्विक ने भी खाया है, और गन्ने का जूस में बहुत मजा आया यार, क्योंकि वहां पे मतलब थोड़ा अलग था, वहां पे वो क्या बोलते हैं अनलिमिटेड वाला ही वो था, तो इसी वजह से हम लोगों को मजा आया वहाँ पे। हम लोग सोच रहे हैं, मैंने सोचा पहले कि 2-3 दिन के बाद हम लोग जाया करेंगे, बट कैलोरीज गन्ने के जूस में कितनी होती है, बाप रे बाप, बाद में देखिए कैलोरीज, पहले तो देखी नहीं, बाद में देखिए कैलोरीज कितनी होती है यार। मैंने बोला नहीं अब से बाद में नहीं जाऊंगी मैं, मैंने वो कैंसिल कर दिया। फिर मैंने बोला इनको कि हम लोग आया करेंगे हमेशा, तो ये बोले ठीक है ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका ये थोड़े एक्टिव है, मतलब ऐसे एक जगह पे नहीं बैठते। और मेरा कैसा है कि मेरा काम ही वैसा है कि जब मेरा काम खत्म हो जाता है, मेरे एडिटिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, मैं बैठने का ही मेरा ज्यादातर काम है, तो इसी वजह से क्या होता है कि मेरा वेट जल्दी पुट ऑन होता है, और बचपन से ही वैसा है मेरा कि जल्दी पुट ऑन हो जाता है वेट, तो इसीलिए मुझे सोचना पड़ता है थोड़ा सा, इनको नहीं सोचना पड़ता खाने के टाइम पे, तो ये कैलोरीज वैलोरीज नहीं देखते, मुझे देखना पड़ता है कैलोरीज का। मैंने बोला यार इतनी कैलोरीज होती है, मैं तो इसके बाद नहीं पीऊंगी।
वेट लॉस जर्नी में होना तो सारा काउंट कर करके ही आपको खाना पड़ेगा। तो चलो यार, चीट डे के दिन इतना चलता है। हम लोगों ने पानी पूरी भी खाई, उसके बाद वो गन्ने का जूस भी पिया। अभी नहीं, अभी बंद, और कुछ दिन मतलब 15-20 दिन तो अभी कुछ भी नहीं। तो चलो अभी इसके साथ ही इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ। मैंने बहुत ज्यादा पानी पूरी खाई। हाँ वो बता दिया मैंने। और ये लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वो आपका आउट्रो वाला, तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टा का लिंक भी चेक करना। लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, रोज टोनर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा विवाह का, तो वो भी चेक कर लेना। आप ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मामा का इंस्टाग्राम का रील्स भी है, रील्स का इंस्टाग्राम का लिंक है, उसमें रील्स और फोटोज अपलोड किया है, वो भी चेक कर लेना, अगर पसंद आया तो वहाँ पर भी फॉलो कर देना। ये मम्मा के दो चैनल है, सब्सक्राइब कर देना दोनों चैनल। हाँ, इसके अलावा दो और चैनल है, वहाँ पर भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो आप। दोनों चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक जरूर कर लेना। अगर आपको वो भी पसंद आता है तो उससे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो फिर बाय बाय कर दो, बाय बाय, और तब तक के लिए बाय। नहीं, जब मैं ये करूँगा, बाय।